यहाँ पे आप कुछ लोगों का अकाउंट डाउट होता है कि वो बैंक के एटीएम से कितने बार फ्री में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको बैंक के एटीएम से पैसा निकालना है तो कितने बार महीने में फ्री में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर आप अपने खुद के बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको महीने का 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। वहीं अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो अगर आप मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगा, और अगर आप नॉन मेट्रो में करेंगे तो वहां पे भी आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। तो इस तरीके से टोटल आपको अगर आप मेट्रो सिटी में ट्रांजेक्शन करेंगे तो 8 ट्रांजेक्शन फ्री, आपका बैंक का 5 और नॉन बैंक का 3, और अगर आप नॉन मेट्रो में करेंगे तो आपको 10 ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है। और यहाँ पे मेट्रो सिटी के अंदर मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और यहाँ पे बेंगलुरु आता है। और अगर आप एक लिमिट के आगे ट्रांजेक्शन करेंगे तो नॉर्मली आपसे चार्जेस चार्ज किया जाता है, जो आपको 20 से 21 रुपया प्लस GST 18% का आपको उसके ऊपर पे करना पड़ जाता है।